आगे 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 वाला, आगे वाला एक एक बोला इनकी मकसद फरमाए अल्लाह तबारक किया। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शारिक रजा। मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ईद मुबारक, जो भी पाकिस्तान में ईद बना रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया में जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, भाई ईद मुबारक। खैर तो बात करते हैं ईद की, और ईद पे मैंने सोचा कुछ शूट करूँ बट कॉन्टेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रहा, फोन स्लॉटरिंग और ये और वो तो यूट्यूब पे बैन हो जाए। इससे पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ईद पे एक पुरानी फुटेज जो कि मैंने मंडी में बनाई थी उसको पेश किया जाए। जो लोग मंडी को मिस करते हैं, अब्रॉड में है, ओवरसीज में है और वो नहीं आ पा रहे आए बकरीद पे और वो इस चीज़ को मिस करते हैं, तो क्यों ना उनकी इस दूरी को ख़त्म किया जाए। तो मैंने सोचा मंडी का ब्लॉग ईद पर डाला जाए। तो मंडी का सीन ये हुआ कि हम निकले, हमने प्लान किया 3 बजे रात में मंडी निकलने के लिए। मंडी हम गए, मैं अपनी गाय के लिए और एक हमारे दोस्त होते हैं अली भाई जो कि दुबई से आए हुए थे, मेरी उनसे 4 साल बाद मुलाकात हुई मुझे और अली भाई को, हम दोनों को गाय लेनी थी। तो हम निकले 3 बजे मंडी, लेकिन मंडी से पहले हम गए अलासिफ स्क्वायर, क्योंकि अलासिफ स्क्वायर रास्ते में पड़ता है और भूख भी हमें काफ़ी लग रही थी। तो अलासिफ जाने की वजह थी बोटियाँ, मतलब अलासिफ की दुम्बी की बोटियाँ और पुलाव अंत है, मतलब आखिरी है। अगर आपने उसको कभी ट्राई नहीं किया कराची वालों, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम कराची में हो यार, मतलब तुम इनकम्प्लीट हो अभी। उसको ज़रूर चेक करो और अगर समझ नहीं आ रहा तो ये सिनेमैटिक्स चेक कर लो, पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं जाइ कर। खैर अलासिफ में दुम्बे की बोटी और पुलाव फोड़ने के बाद हम पहुंचे मंडी। तो मंडी में पहुंचे ऑलमोस्ट लाइक 4 बजे तक और मेरे साथ थे काफ़ी सारे मेरे दोस्त। मंडी जा रहे हैं अपना जानवर खरीदने के लिए, अल्लाह पाक हमें ये कुर्बानी करने के सारे रसम अता फरमाए और हमारे 22 पैसों में थे हमें अच्छी गाय लेने की तौफीक अता फरमाए। तब्दीली आ चुकी है और मुल्ला पार्टी भी आ गई है। मंडी का मजा जो है ना वो सुजुकी में, अगर जब तक आप सुजुकी में नहीं बैठे ऐसे वसूल नहीं है जी भाई। तो सीन ये है कि हम आ गए मंडी फाइनली और मेरे साथ पूरा ट्रूप आया हुआ है मेरे इलाके का। यहाँ से शुरू करते हैं, तो इनका नाम है शायान, इनका नाम है मुबीन, ये भाई है मुजैफा, अली 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 उमैर उमैर मुनीब वाल्टर मुनीब उर्फ बांदर हमारा मुँह और अरसलान दार। इन पे फोकस ही आउट हो गया, धुंधला हो गया कैमरा भी ना थोड़ा सा, इनको फुटपाथ से उठाया था ये। भाई तो अब सौदा करना हम शुरू कर रहे हैं और चेक करें गेम्स आगे। तो अली भाई और मुझे दोनों को, हम दोनों को मार्केट पहले चेक करनी थी, तो हम सबसे पहले पहुंचे जो शुरू में ट्रेंड लगे होते हैं उनमें, और माल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, मतलब गायें मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने बस ऐसी सोचा कि रेट लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए रेंज में आ जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन वी हैड अ रियली बैड लक ओवर देयर और हमने सिर्फ रेट लिए, कैट बॉक्स चेक की और अंदर से ये इस वक्त महंगाई का ये आप देखिए 3.5 लाख रुपये अभी फाइनल इनके रेट देंगे, नेगोशिएशन हो सकता हो जाए, नेगोशिएशन हो जाएंगे उसके फाइनल कितने कर देंगे आप बताएं ना, आप चीज़ आपके ना आप पैसे बता दिए 3,50,000 आपने बोल दिए। मैं तो आपको कहूँगा मैं 2 लाख रुपये दूंगा आपको उसके, 2 लाख रुपये तो फाइनल बताएं कितने में दे देंगे। कौन सी छोटी वाली? छोटी गाय मुझे पसंद आ रही है और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये गाय कितने की है? ये 2,90,000 की। कितने दांत में? 2,90,000 की। 2 दांत। मैं पहले खोल के टहलाना चाह रहा हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, गाय में कोई ऐप ना हो, तो मैं थोड़ा उसको वॉक कराना चाह रहा हूँ। ये हमारे दीन में भी है कि भाई दीन में भी है, पहले कुछ चेक किया जाए और जानवर में कोई नुक्स ना हो। खुल गई है, खैर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटे घूमने के बाद हम काफ़ी ख्वार हुए, तो हमने सोचा कि चाय पी ली जाए और बैठ के प्लान किया जाए कि या तो बजट बढ़ाया जाए या तो फिर थोड़ा
छोटी मतलब कीमत की छोटे बजट की गायें को देखा जाए। तो प्लानिंग के लिए सब ने डिसाइड किया कि हम चाय के ढाबे पर चलते हैं। और चाय के ढाबे से ये सीन है कि भाई अगर आप मंडी के अंदर है तो आपको ढाबे भी दिखेंगे, आपको चाय के होटल भी दिखेंगे, आपको मतलब देसी वाइब्स आ रही होगी पूरी। मतलब वहाँ पर अंडा पराठा भी है, कबाब भी है, तो उसमें पूरी देसी वाइब्स आ रही होती है। ऐसा हो रहा था कि आप बस गांव देहात में बैठे हैं और वहाँ के किसी होटल में आप नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं। और राइट, तो सीन ये कि 2 घंटे हो गए और अली भाई को ना मुझे गाय नहीं मिल रही है और फारी हो गई, काफ़ी थक चुके हैं। तो अब हम आए चाय पे। बाबा भाई देखो, 2 घंटे ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम बहुत थक गए और जो हमारी रेंज थी लाख वो बढ़ानी पड़ेगी, तकरीबन 1.5 लाख तक हमें करनी पड़ेगी। तो भाई थोड़ा सा ताउन करो, ठीक है ना। सही है, अच्छा बैठ के प्लीज़। इंशाल्लाह बस अभी सौदा करना है, ओके। अली भाई सुबह भी हो गई है बहुत, बिल्कुल भाई अभी ना फजर भी हो गई है, इंशाल्लाह आधे घंटे में सौदा करके फिर हम लोग निकलते हैं। जब प्लानिंग करके निकले तो अली भाई ने लाइक 15-20 मिनट में जैसे ही रोशनी हो रही थी तो अली भाई का सौदा बन गया और अली भाई ने तो डन कर दिया सौदा। तो सीन ये है कि भाई अली भाई को गाय पसंद आ गई है। और अली भाई कौन सी गाय है यार? ये गाय मुझे ये पसंद आई है। अभी गाय की क्या कीमत है? 1,90,000। 1,90,000 यार ये गाय 1,90,000 ये मुझे 1,00,000 रुपये में समझ में आ रही है यार। 1,70,000 भी ज़्यादा है यार। 1,70,000 भी ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पहले रुक जाओ। पहले भाई हम इतनी गायें खोल के देख चुके हैं, कर चुके हैं सौदा, पहले बन जाए फिर हम दांत चाल सब कुछ देख लेंगे। 1,55,000। अबे यार 55 और 30 में अब यार 25,000 का फर्क है। थोड़ा तुमको हम आ जाओ, थोड़ा हम कर देते हैं फिर हम सौदे को डन कर देते। अभी एक और नहीं है, ये तो इनकी है, अभी मुझे भी नहीं है। 1,35,000 रुपये में समझ में आ रही है आपको? नहीं भाई, 1,40,000 में समझ में आ रही है अभी। दूब यार, अबे यार 1,40,000 से कर ले यार। 1,40,000 चलो भाई, हो गया, मुबारक हो, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया भाई, चलो हो गया। फाइनली अली भाई का सौदा हो चुका है, अली भाई को समझ में आ गई चीज़। अली भाई लेकिन अब हमारी अभी हमारी गाय बाकी है, तो यार ऐसा नहीं कि आप हमारे लिए ना ढूंढो, आप बोलो मैं नहीं। इंशाल्लाह आपको भी जानवर मिल जाएगा। अभी बयाना देके इसको रुकवा दो, अभी बयाना देके इसको रुकवा दो, फिर हम मेरी जब लेंगे तो साथ ही उठा के। चलो ठीक है, ऐसा कर लेना। तो जी अली भाई ने सौदा कर लिया और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कुछ घूमा, मैंने मंडी तलाश की, अपनी बजट भी बढ़ाई, बट आई रियली हैड अ बैड डे और मुझे जानवर नहीं मिला। अली भाई को तो जानवर मिल गया लेकिन हमें नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं क्योंकि बॉयज़ काफ़ी थक चुके हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शाम में आने की, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाएंगे यार। मतलब ब्लॉग के चक्कर में ना सौदा नहीं होता, ब्लॉग के चक्कर में सौदा नहीं होता। तो अली भाई को तो मिल गया, तो हम बयाना दे चुके थे, अब हम वो गान उठाएंगे और घर वापस। जी तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड अगेन आई एम सॉरी कि मैं ईद पर व्लॉग नहीं बना पाया, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। सपने बन के साथ अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक और बार मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हमारी सब की हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन सुमामीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीस आउट।